रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज़, आज थर्सडे 7 अक्टूबर 2021, गुरुवार 7 अक्टूबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाकिलो द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन, 1 जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन। आज का विषय, आज का टॉपिक इस वचन के आधार से, प्रैक्टिस इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन का अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन का अभ्यास करते रहिए। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। 1 जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, एंड दिस इज द रिकॉर्ड दैट गॉड हैड गिवन टू अस इटर्नल लाइफ, एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। और एक बार पढ़ेंगे 1 जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, एंड दिस इज द रिकॉर्ड दैट गॉड हैड गिवन टू अस इटर्नल लाइफ, एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 11 वचन, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। रबांता शकियां बोरुखुल्ला रहस्सा सोहित किन वरा अल आखतीन रबिया खुम्त अल रहस्सा रेदीना मशरा खासियास खुल ब्रांत्रा खास्ता। पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 11 वचन और एक बार पढ़ेंगे, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। हमारे नश्वर देह नहीं है, अब हमारे देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ फादर, वी थैंक यू फॉर दिस वर्स। धन्यवाद करते हैं, हम नश्वर देह नहीं रहे खुदा, हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हैं। हालेलुया, 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 हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो सिखाया जा रहा है वचन के आधार से, हम उसे पढ़ेंगे, सीखेंगे। ओ हाउ द चर्च नीड्स टू टीच एंड प्रीच इटर्नल लाइफ। ये कैसा महान ऐसी बात है कि कलसिया की इतनी बड़ी ज़रूरत है कि उन्होंने सिखाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए अनंत जीवन के विषय में। Most have never understood it because they have never been taught. बहुत तेरे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस बात को समझा ही नहीं है, केवल ये कारण से कि उनको ये बात सिखाई गई नहीं है। In 1 John 5 chapter 13 verse NIV version says, John said, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 13 वचन, अगर इंग्लिश बाइबल में हम न्यू इंटरनेशनल वर्शन का लिखा हुआ वचन पढ़े हैं तो वो इस प्रकार था, जॉन सेड, आई राइट दिस थिंग्स टू यू हु बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड सो दैट यू मे नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। और यही वचन जब हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है, पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले योहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। He wanted them to know they had eternal life because just like today many don't know.
वो चाहता है, ये इच्छा रखता है कि वो लोग जाने इस बात को कि उनके पास अनंत जीवन है, मौजूद है उनके पास। क्योंकि बिल्कुल आज ही की तरह बहुत तेरे उस समय भी रहा करते थे जिनको ये बात का अभी तक पता ही नहीं था। सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ क्रिश्चियंस लिविंग एज विक्टिम्स बफेटेड बाय द वैगरीज एंड एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीही जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से पीड़ित जीवन रहता है वैसा जीवन मसीही लोग जी रहे हैं, और घिरे रहते हैं हमेशा ही अनिश्चितता से, और ये जगत के सारे मूल तत्वों के आधार से। इट्स द रीजन फॉर द colds, headaches, fevers and all the sicknesses and diseases many suffer from. फिर यही वो कारण है क्योंकि उनका ध्यान इस जगत के जो मूल तत्व है और जो प्रकार की अनिश्चितता है उसी के अंदर उनका ध्यान लगा है और उसी के ऊपर वो अपने आप को देख रहे हैं, तो वो पीड़ित इसीलिए रह जाते हैं। और फिर वो हर एक उस मूल तत्व के आधार से निकलने वाला बीमारी, सिर दर्द और सर्दी और बुखार, इस प्रकार के ऐसे कोई भी प्रकार के अवस्थाओं की बीमारियां और व्याधियों के फिर उनको सह लेना पड़ता है, क्योंकि वो उस पर अपना ध्यान रखते हैं कि वो उन्हीं के द्वारा घिरे रहते हैं जो जगत के अंदर फैल चुका है, जो मूल तत्व है कि इस कारण से बीमारी आती है, उस कारण से सिर दर्द होता है, उस कारण से बुखार होता है, यही मूल तत्वों के वो घिरे रहते हैं। और फिर वो इस प्रकार से जो अनिश्चितता होती है कि अब ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती है, वो बीमारी तो ऐसे ही रहती है, इस प्रकार के जो अनिश्चितता है उसी के आधार से वो अपने जीवन को जी रहे होते हैं। तो बहुत सारे मसीही लोग पीड़ित जीवन जीते हैं और इसका कारण यही है कि उनके ऊपर फिर बीमारियां बैठ जाती है और फिर उनके ऊपर व्याधियां बैठ जाती है, जिस प्रकार से जो सर्दियां हैं, जो सर दर्द है, बुखार है और ऐसे कई अलग प्रकार की बीमारियां और व्याधियां फिर उनको सहन कर लेना पड़ता है। सैडली सम इवन थिंक इट्स ओके टू बी सिक। और दुख की बात तो ये भी है, बहुत ऐसे कुछ भी लोग हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बीमारी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चल जाता है, इस प्रकार से वो आसान समझते हैं बातों को। नो, नॉट फॉर द क्रिश्चियन, नहीं, बिल्कुल नहीं, मसीहों के लिए बीमारी, व्याधि, पीड़ित रहना, बिल्कुल ये मसीहों की बात नहीं है। The life we have is divine. जीवन जो हमारे अंदर हमारे पास है वो ईश्वरीय जीवन है। If an injury happens in your body, remind yourself that you have got divine life in you. जब आपके शरीर के ऊपर कोई जख्म हो जाता है तो अपने आप को याद दिलाइए, स्मरण दिलाइए कि आपके अंदर ईश्वरीय जीवन रह रहा है और वो आपके लिए काम कर रहा है। हर एक प्रकार के आपके नस पेशियों में, आपके अस्तित्व में वो काम कर रहा है। इट वर्क्स इन यू, इन एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग, वो आपके अंदर काम कर रहा है और आपके हर एक तंतु के अंदर, आपके सृष्टि के अंदर वो काम कर रहा है। देन हील द वाउंड, और फिर चंगाई ले लीजिए आपके जख्मों से, जख्मों में आप चंगे हो जाइए। फिर कमांड इट टू क्लोज अप एंड बी नॉर्मल, आज्ञा लगाइए उस पर कि वो बंद हो जाए और जो जो रचना है उसकी, उसके स्थिति में वो आ जाए। परमेश्वर ने जिस प्रकार की रचना कर रखी है उसकी, उस प्रकार की रचना में वो ढल जाए। यू हैव गॉट टू प्रैक्टिस दिस, आपको यह अभ्यास करना ही है।
First Timothy 4 chapter 15 verse says, meditate upon these things, give thyself wholly to them. पहले तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय के 15 वचन इस प्रकार से कहता है, बीएसआई बाइबल में पहले तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय 15 वचन, इन बातों को सोचते रहे। हालेलुया हालेलुया, इन बातों को सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। तो हमारा मन ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? उन बातों को सोचते रहना है कि हमारे अंदर अनंत काल का जीवन है, हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन है, हमारा शरीर नश्वर देह नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, हमारे शरीर में कोई व्याधि रुक नहीं सकती है। मैं कमांड करती हूँ नासरी यीशु के नाम में, हमारे शरीर के रोग निकल जाए, हमारे शरीर को नाश करने के लिए आए हुए आक्रमण खत्म हो जाए, हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करने वाली दुष्ट शक्तियाँ पलट जाए और दोबारा वापस ना आए। नासरी यीशु के नाम में हमारा शरीर हर दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए। इस प्रकार से हमने आज्ञाएं लगाते रहना है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये मसीह जीवन का उन्नति का वचन है। देखिए, ये मैं पर्सनली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये उत्साहित किया है, ये सारे वचन मेरे अंदर जिंदा हो उठे हैं। ओके, देखिए क्या लिखा है, 4 अध्याय का, पहले तिमोथियोस के 4 अध्याय का 15 वचन, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। जिम्मेदारी से हमने करना है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तो चंगाई मिलेगी तो वो उन्नति हो गई, छुटकारा मिलेगा तो वो उन्नति हो गई। आपको जो भी आपके नश्वर देह में आप पवित्र आत्मा के कारण प्राप्त करेंगे वो आपकी उन्नति है, और वही उन्नति आप दूसरों के देखते हुए जीते हैं। जो दूसरे हैं वो आपको देखते हैं कि इसके जीवन में ये बदलाव हो चुका, इसके जीवन में ये सुधार आ गया, इसके जीवन में ये छुटकारा आ गया, इसके जीवन में ये लोग देखते हैं। आप उनको डिस्प्ले पर हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो उन्नति बन जाती है। कितना प्यारा वचन है ये, हालेलुया। अब हम पास्टर क्रिस क्या कहते हैं, हम उसको देखेंगे। The expression meditate upon is meletao, Greek, and it also means to practice. जो यहाँ पर बताया गया है, जिस भाव से उसे लिखा गया है, जो इंग्लिश में मेडिटेट है और हिंदी वचन में हमने पढ़ा सोचते रहो, ऐसा लिखा है। तो यूनानी भाषा में ये शब्द जो है, मेडिटेट अपॉन, सोचते रहो, ये जो शब्द है यूनानी भाषा में मेलेताओ ऐसा है, मेलेताओ। और फिर इसका मतलब ये भी बनता है कि अभ्यास करते रहो। Many years ago, as I started learning this, I had a cut on my hand and it was bleeding profusely. पास्टर क्रिस ओयाकिलो ये बात बता रहे हैं कि बहुत साल पहले उन्होंने एक बात सीखी और सीखना शुरू कर दिया था उन्होंने, और ये था कि उनके हाथ पर चोट लग चुकी थी और काफ़ी उसके अंदर से खून बह निकल रहा था। But I was not agitated. परंतु वह अस्थिर नहीं हुए उसके कारण, वह हड़बड़ी नहीं हुई उनके अंदर, वह बिल्कुल भी उस बात के कारण विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं। I had the consciousness of eternal life. वो कहते हैं कि मुझ में ये ध्यान रह रहा था कि मुझ में अनंत जीवन है। So I placed my finger over the cut and said, "Stanch and be healed in Jesus' name."
और फिर उन्होंने, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने उंगली को उस कटे हुए भाग के ऊपर लगा दिया और फिर कहा, बंद हो जाओ, थम जाओ, रुक जाओ और चंगे हो जाओ यीशु नाम में। इस प्रकार से फिर उन्होंने आज्ञा लगाई। गेस व्हाट, नॉट ओनली द ब्लीडिंग सीज, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ अ वुंड व्हाटसोएवर। हालेलुया। और सोच कर देखिए हुआ क्या उस समय। फिर केवल इतना ही नहीं कि वह खून थम गया, रुक गया, बल्कि ये भी हो गया कि वो जो जख्म के निशान थे कुछ भी उस जगह में बाकी नहीं रहे थे। हालेलुया। इट्स इम्पॉर्टेंट यू लर्न टू लिव द लाइफ दैट गॉड हैज गिवन यू, प्रैक्टिस इट। तो अब जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि आप अभ्यास कीजिए, सीखिए आप उस जीवन को जीना जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। अब अभ्यास कीजिए उस जीवन में जीने का। रिमेंबर व्हेन यू वेयर अ चाइल्ड, यू हैड टू बी टॉट हाउ टू टॉक एंड वॉक लाइक ह्यूमंस, एंड यू डिडंट परफेक्ट इट ओवरनाइट, बट ग्रेव थ्रू प्रैक्टिस इनटू परफेक्शन। याद कीजिए, जब आप छोटे बच्चे रह रहे थे उस समय आपको सिखाया जा रहा था किस प्रकार से बोलना चाहिए और चलना चाहिए एक मनुष्य रूप में, और फिर आपने एक रात ही में सिद्धता प्राप्त नहीं की थी, परंतु आप बढ़ते गए, अभ्यास के द्वारा सिद्धता में आप बदलते हुए चले गए। लाइकवाइज नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन, प्रैक्टिस लिविंग द डिवाइन लाइफ। बिल्कुल उसी तरह से फिर अब आपने जब नया जन्म प्राप्त किया है तो ईश्वरीय जीवन में जीने का अभ्यास करते जाइए। सुपर इम्पोज द पावर ऑफ दैट लाइफ ओवर योर फिजिकल बॉडी बाय मेडिटेशन, प्रेयर, एस्पेशली प्रेइंग इन द स्पिरिट एंड बाय कॉन्स्टेंट अफर्मेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अब आपने ही उस शक्ति का, वो जीवन में जो सामर्थ्य, परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य भरा हुआ जीवन जो आपके अंदर है, आपने उसको ऊपर चढ़ा लेना है आपके शारीरिक अवस्थाओं के ऊपर। जो आपका शारीरिक अवस्थाओं का शरीर है वो जगह में अब आपने ईश्वरीय जीवन की शक्ति को ऊपर चढ़ा लेना है आपके जीवन में। आप जब मनन करते हैं तब आप उस ईश्वरीय जीवन के शक्ति को ऊंचा कर रहे होते हैं आपके शारीरिक अवस्थाओं में, प्रार्थना के द्वारा भी, और खास तरीके से जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, और फिर आप लगातार दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन भी कबूल करते रहना है लगातार। थैंक यू जीसस, धन्यवाद बाबा फादर।